प्रदेश सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में भी कृषि स्कूल सभागार में फसल क्षति राहत राशि के वितरण के कार्यक्रम का आयोजन राजस्व विभाग के द्वारा किया गया। रहली तहसील के किसान हितग्राहियों को खरीफ 2020 की फसल क्षति की राहत राशि का सांकेतिक वितरण किया गया। इस दौरान भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण का प्रदर्शन भी किया गया। रहली तहसील के 136 ग्रामों के 32,640 किसानों को 23,80,00,000 रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है, जिसका भुगतान 3 अलग अलग किस्तों में किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर कर किया जाएगा। तहसीलदार संदीप तिवारी ने बताया कि प्रथम किस्त के रूप में 33% राशि प्राप्त हो चुकी है, जो किसानों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। कार्यक्रम में SDM जितेंद्र पटेल, तहसीलदार संदीप तिवारी, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेंद्र जारौलिया, गोविंद पटेल, अमित नायक, ईश्वर नायक, सुरेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारी रैली तहसील में लगभग 36,000 किसान हैं 136 गांवों के, और इसके लिए हमने 23 करोड़ की लगभग डिमांड की थी, जिसमें हमें अभी 33% में 7,78,00,000 राशि प्राप्त हुई है। और ये शासन के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, इसमें हमने प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति पत्र कुछ किसानों को वितरित किए हैं, और शीघ्र ही सभी किसानों के खातों में 33% की जो राशि वो मिल जाएगी। 3 किस्तों में वितरण होंगे। अभी पहली किस्त मिली है तो हम पहली किस्त का भी राशि वितरण करेंगे, जब दूसरी और तीसरी किस्त मिलेंगी तो उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।